बढ़ते अब आगे खबर ये कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है और ये सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राउत ने कहा कि सीमा पर हिंसा की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती। आइए इस खबर पर कोल्हापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रताप नाइक है, उनसे जरा पूरी जानकारी लेते हैं। प्रताप, पॉलिटिकल फ्रंट पर समझना चाहते हैं क्या हो रहा है और विवाद का ये हल निकल क्यों नहीं पा रहा है। फिलहाल तो इसमें कुछ हल निकलेगा ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जो डिस्प्यूट है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है, वहां का रिजल्ट आना बाकी है। तब तक हम देख सकते हैं कि कर्नाटक या महाराष्ट्र इस मुद्दे को लेकर अपने अपने रवैये पे ठाम में अड़े हैं। उनका कहना है कि हमारा ये जो इश्यू है वो हमारा भाषा और प्रांत रचना हुआ, उसमें सीमावर्ती भागों में अन्याय किया गया, इसके वजह से हमें वो भाग में जो लोग रहते हैं उन पे अन्याय बार बार कर्नाटक गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत बार बयानबाजी हो चुकी है और महाराष्ट्र एकीकरण समिति हमेशा इसके लिए लड़ते आई है। लेकिन हम लोग पॉलिटिकल एंगल से अगर सोचते हैं तो इसका एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो पॉलिटिकल पक्ष है वो करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे बम्बई जो सीएम है कर्नाटक के, उनका साफ रवैया दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में जो हम लोगों ने जिस तरह से बॉर्डर इश्यू को लेकर हमारा रवैया रहा है, यही रवैया हम हमेशा अपनाएंगे, ताकि ये हमारे पास जो एरिया है, बेलगाम हो, निपानी हो, कारवार हो, ये सब हमारे पास ही रहने वाला है, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा हक है। महाजन आयोग ने इसको फाइनलाइज किया है, इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उसके आगे जाकर उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर हो, अकोलकोट हो या जत हो, उन एरिया को भी अपना ही अधिकार बनाया है, बताया है। इससे साफ नजर आ रहा है कि वो एग्रेसिव है, क्योंकि वो सामने इलेक्शन है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, वो बीजेपी पर यहाँ पर बार बार जो टीका टिप्पणी कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार वहां के सीमावासियों के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है और इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। एनसीपी के जो लीडर है शरद पवार, उन्होंने भी साफ रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर 24 आवर्स में यहाँ पे शांति नहीं बनी तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। इससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी को एक तरफ से उनको एक मुद्दा बना के घेर लिया जाए, ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा भी हो जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति हो या बहुत सारे पॉलिटिकल जो पक्ष के लीडर भी है, उनका कहना साफ है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होना चाहिए, क्योंकि भाषा और प्रांत रचना में जो मराठी भाषिक लोग है उन पर अन्याय हो रहा है और आज तक होते आया है, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र भी यहाँ पर सिर्फ देख रहा है, बाकी उस पर कुछ हल आए ऐसा कुछ प्रयास करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर केंद्र ने अपने मन में ठान ली तो इसमें कुछ हल आ सकता है, इस पे कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होते नजर नहीं आ